I am a Nirav sir from Hillside English Medium School, Eder. Part 3 of chapter number 1st, Food, where does it come from, of standard 6, Science. Types of animal. First, we see 4 type of animal. Herbivores, carnivores, omnivores, scavengers. हर्बीवर्स एनिमल किसको बोलते हैं, तो जो सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं, मीन्स एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स इज कॉल्ड हर्बीवर्स। उसके एग्जांपल्स है, आप सब लोगों को मालूम है कि काव है, वो सिर्फ प्लांट्स का ही खाने में यूज कर रही है। गोट है, शीप है, बफेलो है, एटसेट्रा, आप सब लोग जानते ही हो इसके बारे में। सेकेंड टाइप्स ऑफ एनिमल कर्निवर्स, एनिमल विच ईट ओनली एनिमल्स इज कॉल्ड कर्निवर्स एनिमल। इसके एग्जांपल है, टाइगर है, लायन है, लेपर्ड्स है, वो सारे के सारे जो एनिमल है वो एनिमल को ही खाते हैं, इसलिए इसको कर्निवर्स एनिमल बोलते हैं। थर्ड टाइप का जो एनिमल है ओमनिवर्स, ओमनिवर्स मीन्स एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। फॉर एग्जाम्पल बियर्स है, फॉक्स है, डॉग्स है, आप सब लोगों को मालूम है कि ये तीनों के तीनों एनिमल्स प्लांट्स को भी खा रहे हैं और एनिमल को भी खा रहे हैं, इसलिए ये तीनों को ओमनिवर्स कहा जाता है। फोर्थ नंबर स्कैवेंजर मीन्स एनिमल्स विच लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग फूड्स, यानी कि जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं यानी कि मर जाते हैं उसको खाते हैं, उसको बोलते हैं स्कैवेंजर। हाइनास एंड वल्चर्स मीन जो गिद्ध होते हैं, गिद्ध आप सब लोगों को मालूम है, गिद्ध जो है वो मरे हुए पशुओं के ऊपर जाके खाता है, और हाइनास यानी कि जरफ वो भी मरे हुए एनिमल्स होते हैं उसको खाते हैं। ओके, आप सब लोगों को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हर्बीवर्स मीन्स के जो प्लांट्स का ही खाने में यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल काव, गोट, शीप एक्सेट्रा। कार्निवर्स जो सिर्फ प्राणियों को एनिमल्स को ही खाते हैं, फॉर एग्जांपल टाइगर, लायन। ओमनिवर्स बोथ ईट कर रहे हैं प्लांट्स एंड एनिमल, एग्जाम्पल डियर्स, फॉक्स, डॉग्स एट्सेट्रा। स्कैवेंजर्स वो सिर्फ ऐसे एनिमल है जो एनिमल को मरे हुए एनिमल को खाते हैं, उसके एग्जांपल है हाइनास एंड वल्चर्स। थैंक यू सो मच। नाउ चैप्टर नंबर 1st इज ओवर। थैंक यू। स्टार्ट टुडे योर होमवर्क, कंप्लीट दिस डायग्राम इन नोटबुक एंड ऑल्सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 written in your notebook. Okay? Thank you. I hope you are completed this work in your notebook. Thank you. Thank you.